वेलकम टू अल्फाग्राफिक माई यूट्यूब चैनल। माई नेम इज़ वकासिया सर। और जी हाँ, आज हम एक और मज़ेदार सी क्लास लेके आ गए हैं। और इस क्लास में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग वेबसाइट्स जो है वो विज़िट करवाऊंगा। इन सारी वेबसाइट्स में आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप लोग जो है फ्री वीडियोस और फ्री इमेजेस, हाई क्वालिटी की फुल HD वीडियोस और फुल HD पिक्सल जो है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर हमें एडिटिंग के बारे में बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसको हम लोग एडिट कर सकें। तो मैं आपको इस क्लास में जो है ना वो ये बड़ी मज़ेदार सी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, आप यहाँ से फुल HD वीडियोज़ और फुल HD इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी सारी वीडियोज़ जो है मैं इस वीडियो एडिटिंग में जो यूज़ करता हूँ, ठीक है, वो सारी ये इन्हीं वेबसाइट से मैं फ्रीली डाउनलोड करता हूँ। और यहाँ पे कोई जो है वो लाइसेंस का इशू नहीं आता कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, और ना कोई कॉपीराइट का इशू आता है, ठीक है। आप लोग इन वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं एडिटिंग के पर्पस के लिए, ठीक है। जब भी कोई वीडियो या कोई पिक्चर आप अपलोड करेंगे, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर वो आपको कहता है कि मतलब जो है आप हमें क्रेडिट कर सकते हैं। सपोज करें आप उनको जो है वेबसाइट का लिंक जो है आप कहीं यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से आप उनको क्रेडिट कर सकते हैं, थैंक्स कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ कि वो वेबसाइट्स और वो सोर्स जहाँ से हम लोग इमेजेस और वीडियोस फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, और उनको फिर हम लोग डाउनलोड करके फिर हम उसको एडिट करके भी देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले वेबसाइट जो है मैं आपको विज़िट करवाता हूँ, ये जी पिक्सल एक वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आप फ्री लाइसेंस फ्री जो है वो आप यहाँ से इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखे साइट पे अगर आप देख सकते हैं तो डिस्कवर फ़ोटो लिखा हुआ है, पॉपुलर फ़ोटोज़, ठीक है, पॉपुलर सर्च लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्ज करें मैं यहाँ पे पॉपुलर फ़ोटोज़ पे क्लिक करता हूँ तो वो हमें सारी वो जो पॉपुलर इमेजेस हैं वो यहाँ से देखें हमें दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की पसंद की कोई सी भी इमेज आप यहां से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, और फुल HD ये आपको वीडियोस नज़र आ रही हैं, ठीक है। मुझे ये अच्छी एक लगी है तो मैं यहां से इसको डाउनलोड कर सकता हूं। यहां पे देखें, इस यहां पे फ्री डाउनलोड लिखा हुआ है, आप यहां पे सिंपली क्लिक करेंगे तो ये देखें डाउनलोड आ गई, ठीक है। ये देखें से थैंक्स टू अलीना, ठीक है। ये इस तरीके से आप इनको डोनेट कर सकते हैं, थैंक्स ऑन ट्विटर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे थैंक्स कर सकते हैं, इस तरीके से आप इनको थैंक्स कर सकते हैं। एक और मज़ेदार सी वेबसाइट है, मैं उसको दिखाता हूँ। ये जी एक वेबसाइट है अनस्प्लैश, ठीक है। ये भी फ्री और लाइसेंस फ्री जो है वो इमेजेस की एक वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ आप कोई भी किसी किस्म की भी पिक्चर्स आपको चाहिए, वॉलपेपर चाहिए, टेक्सचर चाहिए, पैटर्न चाहिए, नेचर चाहिए, करंट इवेंट्स चाहिए, कोई भी आपको चाहिए तो ये देखिए ऊपर टैब बने हुए हैं, आप उनको सेलेक्ट करके अपनी मर्जी से कर सकते हैं डाउनलोड यहाँ से, ठीक है। नीचे ही अगर देखें इसका ओवरव्यू देखें तो ये देखें यहाँ पर बड़ी अच्छी सी इन्होंने फुल HD जो है वो वीडियो की क्वालिटी, पिक्चर्स की क्वालिटी जो है ना वो फुल HD है, और ये बड़ी अच्छी उन्होंने फर्ज करें मुझे ये वाली एक अच्छी तस्वीर लगी है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें डाउनलोड फ्री लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसी इसके साथ इससे रिलेटेड जो इमेजेस होते हैं वो भी आपको नीचे दिखा रहा था, ठीक है। ये देखिए यहाँ से इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए डाउनलोड हो गई, ठीक है। एक और वेबसाइट है, मैं इसको दिखाता हूँ। ये एक और वेबसाइट है, इसका नाम है पिक्साबे, ठीक है। ये वाली वेबसाइट जो है ना यहाँ से आप लोग वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप यहाँ से फोटोज़ डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है, सारी फ्री है, आप यहाँ से फ्री लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने का फ़ायदा ये है कि जब भी कोई नई प्रोडक्ट या कोई पिक्चर या वीडियो अपलोड होती है इस वेबसाइट के ऊपर, वो फिर आपको एक नोटिफिकेशन सेंड कर देते हैं जिससे आप लोग इस वेबसाइट से वो वाली करंट जो है वो अपलोडेड पिक्चर या फ़ोटो वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर फर्ज करें मैं वीडियो पर क्लिक करता हूँ, ये पिक्साबे है, ठीक है। ये बड़ी अच्छी और मज़ेदार सी वेबसाइट है, ठीक है। मैं जितनी भी अपनी वीडियोस एडिट करने के लिए यूज़ डाउनलोड करता हूँ वो सारी यहाँ से करता हूँ, ठीक है। ये HD
ये सारी HD वीडियोस हैं, ठीक है। आप इसके ऊपर सिंपली कर्सर लेके जाएंगे तो आप इस वीडियो को देख सकेंगे कि क्या इसके वीडियो के अंदर चल रहा है, ठीक है। ये देखिए, तो ये मैं फ़र्ज़ करें ये मैं डाउनलोड करता हूँ, और ये देखें पिक्सा लाइसेंस, ठीक है, इसके बारे में बता रहा है यहाँ पे। ये देखें इसके बारे में, लाइसेंस के बारे में यहाँ पे देखें कि ये इसके लाइसेंस के बारे में बता रहा है कि ये पिक्सा भी फ्री फॉर कमर्शियल यूज़, नो एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। इसकी मीडिया टाइप बता रहा है वो नीचे MP4 है, और रेजोल्यूशन ये जिसकी मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कितनी रेजोल्यूशन होती है हमारे फुल HD वीडियोज़ की, ठीक है, 1920x1080 है यहाँ पे, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन बता रहा है कि 53 सेकेंड है, ठीक है। इसी तरह ये इसकी सारी डिटेल बता रहा है, डाउनलोड बता रहा है, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं इसको, और ये देखिए एक और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बात ये कि यहाँ से आप लोग डिफरेंट रेजोल्यूशन की जो क्वालिटी आपको चाहिए वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे 1920x1080 की चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखें सिंपली आप, और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है वडीज़े, ठीक है, ये वाली वेबसाइट है वडीज़े, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी इसका आइकॉन है, ये यहाँ पे इसका नाम है, ठीक है। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेबसाइट, ये नीचे भी वीडियोस आप देख सकते हैं कि नीचे भी हैं, ठीक है, नीचे आप इसका स्टॉक देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च करके अपनी मर्ज़ी से भी, यहाँ पे लिखा है ब्राउज़ न्यूज़, ठीक है, और ब्राउज़ बाय कैटेगरी, ठीक है। आप फर्स्ट करें, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ब्राउज़ बाय कैटेगरी, तो ये देखें आफ्टर इफेक्ट का उसने बताया है, एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ का एरियल उसने बताया, ठीक है। आप यहां से किसी भी कैटेगरी जो आपको चाहिए, जिस पर्पस के लिए चाहिए, आप यहां पे क्लिक करके यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बैकग्राउंड चाहिए, ये देखें, ये मैं बीच पे क्लिक करता हूं, नेचर पे जाकर, तो ये देखें जी मुझे बीच की और उससे सारी रिलेटिव वीडियोस यहाँ पे दिखाना शुरू कर दी हैं उसने। यहाँ पे फर्स्ट करें, मैं इसको पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से देखें ये भी फ्री है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप इसको प्ले करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ये नीचे उसकी लाइसेंस इन्फो बता रहा है, ये देखें, अगर मैं लाइसेंस इन्फो पर मैंने क्लिक किया तो ये उसकी वडीज़े के स्टैंडर्ड लाइसेंस के बता रहा है। दिस फाइल इज़ फ्री फॉर पर्सनल एंड कमर्शियल यूज़, बट यू मस्ट गिव एट्रीब्यूशन इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज, ठीक है। आप यहाँ पे इसके एट्रीब्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये लिंक है, आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट का लिंक यहाँ से कॉपी करके वहाँ जहाँ पर भी आप इसको वेबसाइट में यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर इसका लिंक कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं और इनको क्रेडिट कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्री है, ये इसकी बता रहा है कि फॉर्मेट बता रहा है MP4 है, और ये इसका HD बता रहा है, ये देखिए फुल HD है ये भी, और ये 24 फ्रेम पे बनी हुई है, जो मैंने फ्रेम्स और आपसे बात की थी पिछली क्लास में। यहाँ से फ्री डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ से ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, 5 सेकेंड यहाँ से वो लेगा और उसके बाद ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ये देखिए। इस तरह यहाँ से आप लोग फ्री इमेजेस और फोटोज़ डाउनलोड कर सकते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, यहाँ से भी मैं बहुत ज़्यादा स्लो मोशंस की और मोशन ग्राफिक की, मतलब यहाँ से मैं वीडियोस डाउनलोड करता हूँ। नीचे यहाँ पे देखें तो ये देखें, ये फुल HD वीडियोज़ हैं, ठीक है। आप यहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ये मैंने एक वीडियो यहाँ से इसके ऊपर क्लिक किया, ये उसकी सारी डिटेल बता रहा है। ये देखिए फ्री है सारी, ये सारी वीडियोस फ्री है। ये इसकी वेबसाइट का नाम है, आपने उसको देखा होगा, Vudeevo.net इस वेबसाइट का नाम है। आप अपने ब्राउज़र पे जस्ट इसको लिखें और इंटर करेंगे तो ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है, और वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। रेजोल्यूशन देखें उसकी बता रहा है कि फुल HD है, और फाइल्स उसका साइज़ बता रहा है, फॉर्मेट MP4 है, ठीक है, और ड्यूरेशन उसकी रेशियो बता रहा है, ये देखें, और कितने फ्रेम रेट्स पे है, ये तकरीबन 29.97 फ्रेम पर सेकेंड है, ठीक है। ये तकरीबन आप लगा लें कि 30 फ्रेम्स की है ये वाली वीडियो है।
ड्यूरेशन बता रहा है ये, यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे और नीचे देखें, यहाँ पे प्रीमियम आप यहाँ से पैसों के साथ भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो परचेज कर सकते हैं, ठीक है, फ्री भी है। आप जिस तरीके से आपको सूट करता है कि मुझे फ्री चाहिए या मैंने यहाँ से बाय करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एक और वेबसाइट है xstockvideo.com, इस वेबसाइट का नाम है। यहाँ से भी आप अपनी मर्ज़ी की जो है वो वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, इसकी कैटेगरीज बता रहा है, ठीक है, ब्राउज ऑल फोटेजेस है, ठीक है, बिल्डिंग एंड लैंडमार्क है, नेचर एंड लैंडस्कोप है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारी यहाँ पर कैटेगरीज है। ये मैं ट्रांसपोर्टेशन पे क्लिक किया तो इसका वो लिंक यहाँ पे देखें, और ये देखें ट्रांसपोर्टेशन में ये उसने बाय एयर है, और इसके साथ साथ ये हर एक जो है वो ट्रांसपोर्टेशन उसने यहाँ से बाय रोड है, और इसके अलावा यहाँ से मंदिर में जो है ना वो ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हो रही है, उनकी सारी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में उसने जो है वो वीडियोस शो कर दी हैं, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ से ये चाहिए एरोप्लेन की, तो आप यहाँ पे क्लिक करें सिंपली, यहाँ पे उसकी डिटेल बता रहा है, रेगुलर लाइसेंस, ठीक है, वो लिखा हुआ नीचे यू और वन क्लाइंट इन ए सिंगल एंड प्रोडक्ट विच एंड यूज़र आर नॉट चेंज फॉर डिटेल। यहाँ पर डिटेल पे आप ये यहाँ पे इसके लाइसेंस के बारे में बता रहा है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे फ्लैश है, फोटोशॉप है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। वापस जाते हैं तो ये देखें फ्री है, ये इसका फॉर्मेट है, डिफरेंट फॉर्मेट यहाँ पे डिफरेंट रेजोल्यूशन के साथ है, जो आपको चाहिए। मुझे ये वाली रेजोल्यूशन फुल HD चाहिए, मैं फ्री पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये हमने कुछ यहाँ पर डाउनलोड्स लगाई हुई हैं यहाँ से, ये सारी चीज़। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सी वेबसाइट है। आप अगर परेशान हो रहेंगे कि हमारे पास ऐसा सोर्स भी नहीं है, फ़र्ज़ करें हमारे पास DSLR कैमराज नहीं है, ठीक है, जिससे आप लोग कोई वीडियो शूट कर सकते, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो DSLR कैमरा नहीं है कि हम किससे वीडियो बनाएं और किस तरीके से हम लोग जो है ना उसको एडिट करें, ठीक है। तो ये मैंने आपको वेबसाइट और इमेजेस की कुछ वेबसाइट बताई हैं जहाँ से आप लोग फ्री मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो का, इमेजेस का, ठीक है। और मैं फिर आपको अगली क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग कहाँ से फ्री म्यूज़िक डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो आप अपनी वीडियो के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, किस तरीके से लगाएंगे वो भी मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ कि हमने जो वीडियो डाउनलोड की है उनको किस तरीके से हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये हमारे सामने सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, ठीक है, जिसका मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ था पहली क्लास में। उसके बाद मैंने सेकंड क्लास में आपको उसके बारे में बताया था कि हमारा कौन सा पैनल किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मीडिया पैनल में वो वीडियो जो मैंने डाउनलोड अभी की हैं उनको मैं इम्पोर्ट यहाँ पर करता हूँ, डाउनलोड में वीडियोज़ हैं, ठीक है। यहाँ से वो ये मैं एरोप्लेन ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पे ये लिस्ट व्यू में यहाँ पे आ गई है वीडियो, ठीक है। इसके साथ मैं एक और वीडियो वहाँ पे करता हूँ, एरोप्लेन की आ गई, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे एयरपोर्ट की आ गई, ये दोनों हमारे पास लिस्ट व्यू में आ गई हैं वीडियोस, ठीक है। यहाँ से हम इसको थंबनेल व्यू में भी देख सकते हैं, ये देखें, और इसके ऊपर हम सिंपली कर्सर उसी तरह लेके जाएंगे तो हम लोग इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो जो है ना एयरपोर्ट की यहाँ पर आए, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग इसको प्ले करके देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ ऑडियो ऑडियो नहीं है, इसके अंदर सिर्फ वीडियो है, ठीक है। तो ये मैं वीडियो यहाँ से सारी मैं वीडियो यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से इसको मैंने ड्रैग किया, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये वीडियो आ गई, ठीक है। मैं यहाँ से म्यूज़िक भी कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास MP3 में भी म्यूज़िक पड़ा हुआ है जो इसके बैकग्राउंड में मैं यूज़ करूँगा। ऑडियो 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 म्यूज़िक, ठीक है जी।
यहाँ से कौन सा करो, चलो ये मैं एक म्यूज़िक ले लेता हूँ यहाँ पे, सिंपली इसको मैं यहाँ से प्ले कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ से प्ले कर सकते हैं, यहाँ से आपने जितना म्यूज़िक आपने यहाँ से लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं यहाँ से सारा म्यूज़िक लेना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको पकड़ा और यहाँ पे मैंने इसको ला के छोड़ दिया, ठीक है। अब ये देखिए हमारा क्लिप यहाँ तक है, यहाँ तक हमारा क्लिप है और ये ज़्यादा है म्यूज़िक, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम दूसरी वीडियो यहाँ से ले आते हैं, यहाँ पे यहाँ से भी हम वीडियो यहाँ पे ला के रख देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर चूंकि वो साउंड भी है उसका म्यूज़िक का साथ में, तो ये देखिए लिंक हुआ हुआ है, ठीक है। इसके बारे में बताऊंगा कि आप इसको किस तरीके से लिंक करते हैं, किस तरीके से लिंक अनलिंक करते हैं और लिंक और अनलिंक का क्या फ़ायदा है, ठीक है। ये देखिए ना, लिंक का बेसिकली मकसद ये है कि फ़र्ज़ करें अगर आपकी ऑडियो के साथ एक नीचे उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक भी है, ठीक है, तो आप जब भी यहाँ से इसको वीडियो को इंपोर्ट करेंगे या यहाँ से इसको सोर्स पैनल से यहाँ पे टाइमलाइन पे लेके आएंगे तो उसके साथ ही वो जो है वो म्यूज़िक भी लिंक होगा। अगर यहाँ से इसको पकड़ के आप कहीं पर भी मूव करेंगे तो ये देखें, ये उसके साथ साथ ही म्यूज़िक जो है वो रहेगा, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं अनलिंक कर दूँ और म्यूज़िक यहाँ पर ही रहे और उसका ऑडियो यहाँ पर, तो ये देखें अब यहाँ पर इसका ऑडियो रह गया और इसकी वीडियो जो यहाँ पर आ गई है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ और वापस इसी को यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है। ये देखिए अब मेरे पास तो म्यूज़िक जो मेरे पास तो वीडियो जो है यहाँ तक है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक ही जो है वो रहे, उसके बाद ये वो आगे वाला म्यूज़िक हिस्सा जो है वो नहीं चाहिए। तो यहाँ से सिंपली ये जो टूल्स मैंने आपको भी सारे टूल्स मैं आपको सिखाऊंगा, ये सिलेक्शन टूल है और ये साथ में बाकी टूल्स हैं, तो ये मैं रेजर टूल से यहाँ से इसको कट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको कंट्रोल डिलीट का कंट्रोल, आपके पास कीबोर्ड के ऊपर डिलीट का एक बटन होगा, आप सिंपली वहाँ पे भी क्लिक करके इस हिस्से को डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ से दूसरा तरीका भी, आप लेफ़्ट क्लिक करें और लिखा हुआ है क्लियर, क्लियर पे क्लिक करें तो ये देखें यहाँ से रिमूव हो गया। तो अब हम ये इसको प्ले करके देखते हैं, तो ये देखिए अब हमारे पास ये वीडियो जो आ गई हुई है यहाँ पे 1 मिनट 1 सेकंड की, और ये 1/7 सेकंड है, तो इस तरीके से इसको हम प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास में बेसिकली मैंने आपको बताना ये था कि सोर्स हमारे पास सोर्सेस कौन से हैं, वो वेबसाइट पर जहाँ से हम लोग वीडियो ले सकते हैं और किस तरीके से हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो इस क्लास में मैंने ये दो चीज़ें आपको बतानी थी, एक तो मैंने ये बताना था कि आपको कहाँ से फ्री वीडियोज़ और कहाँ से फ्री इमेजेस मिल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मैंने दो इमेजेस लेके आपको एडिट करने का तरीका बताना था कि किस तरीके से आप उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाली क्लास मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पसंद आई होगी, ठीक है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। सो थैंक यू सो मच, तो मिलेंगे एक नई क्लास के साथ।